आज के लेक्चर में हम लोग हैलो फॉर्म रिएक्शन या आर्डो फॉर्म टेस्ट के बारे में बात करेंगे। ये हैलो फॉर्म रिएक्शन क्या होती है, आर्डो फॉर्म टेस्ट क्या होता है, तो इसको देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मेथिल कीटोनिक ग्रुप CH3CO और मेथिल एल्कोहलिक ग्रुप CH3CHOH ऑन रिएक्शन विथ हैलोजन प्लस बेस फॉर्म हैलो फॉर्म एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज हैलो फॉर्म रिएक्शन। कहने का मतलब ये है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके पास क्या हो, मेथिल कीटोनिक ग्रुप हो या मेथिल एल्कोहलिक ग्रुप हो, ऐसे कंपाउंड का रिएक्शन अगर आप हैलोजन और बेस के साथ NaOH या KOH के साथ कराते हैं तो एक कंपाउंड बनता है CHX3 हैलो फॉर्म। चूँकि इस रिएक्शन में जो कंपाउंड बन रहा है हैलो फॉर्म, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है हैलो फॉर्म रिएक्शन। इस रिएक्शन में हैलोजन की जगह पे अगर हम ऑडीन का यूज करें, यानी कि ऑडीन प्लस NaOH का यूज करें, तो जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CHI3 आर्डो फॉर्म बन जाएगा। इस कंडीशन में इसी रिएक्शन को हम आर्डो फॉर्म टेस्ट के नाम से जानते हैं। इसको हम आगे कंटिन्यू करके देखते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। हमारा क्वेश्चन है कि हैलो फॉर्म या आर्डो फॉर्म टेस्ट गिवन बाई, हमने कुछ एग्जांपल रखे हैं, आपको चेक करके बताना है कि इसमें से कौन से कंपाउंड हैलो फॉर्म या आर्डो फॉर्म टेस्ट देंगे। तो पहला एग्जांपल है CH3CHOH CH3। ये तो कोई अल्कोहल है और हम जानते हैं कि ऐसे अल्कोहल आर्डो फॉर्म टेस्ट देते हैं जिनमें क्या हो, मेथिल एल्कोहलिक ग्रुप हो। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें मेथिल एल्कोहलिक ग्रुप CH3CHOH, यानी कि ये कंपाउंड इधर से भी दिख रहा है CH3CHOH, यानी कि ये जो कंपाउंड है ये हमारा क्या करेगा, आर्डो फॉर्म टेस्ट देगा, क्योंकि इसके पास मेथिल एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। इसको देखते हैं CH3CHOH, यहाँ पे pH लगा है। ये कंपाउंड जो है इसमें भी मेथिल एल्कोहलिक ग्रुप दिख रहा है इस साइड में, तो ये भी क्या करेगा, आर्डो फॉर्म टेस्ट देगा। तीसरा ये हमारा एग्जांपल है, इसमें दिख रहा है CH3CO CH3, यहाँ पे दिख रहा है मेथिल कीटोनिक ग्रुप। तो हम जानते हैं कि जिसके पास मेथिल एल्कोहलिक ग्रुप होता है वो आर्डो फॉर्म टेस्ट देता है, जिसके पास मेथिल कीटोनिक ग्रुप होता है वो भी आर्डो फॉर्म टेस्ट देता है, तो ये भी क्या करेगा, आर्डो फॉर्म टेस्ट देगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, कीटोन दिख रहा है हमें इस एग्जांपल में, लेकिन इसमें कीटोनिक ग्रुप तो है लेकिन यहाँ पे मेथिल ग्रुप नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे एथिल है। तो इस कंपाउंड में हमको मेथिल कीटोनिक ग्रुप नहीं मिल रहा है, इसलिए ये आर्डो फॉर्म टेस्ट नहीं देगा। और ये वाला एग्जांपल देखो, इसमें ये कोई अल्कोहल है, इस साइड से तो मेथिल एल्कोहलिक ग्रुप नहीं है लेकिन इस साइड से हमें मेथिल एल्कोहलिक ग्रुप दिख रहा है, इसलिए ये भी क्या करेगा, आर्डो फॉर्म टेस्ट देगा। तो हमें अगर क्वेश्चन में पूछे कि कौन सा कंपाउंड आर्डो फॉर्म टेस्ट देगा या हैलो फॉर्म टेस्ट देगा, तो बस दो चीज़ चेकअप करना है कि उसमें मेथिल एल्कोहलिक ग्रुप हो या मेथिल कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए। अगर है तो वो आर्डो फॉर्म टेस्ट देगा, अगर नहीं है तो आर्डो फॉर्म टेस्ट नहीं देगा। आगे के लेक्चर में इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे। आगे हम देखते हैं, दो और एग्जांपल देखते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल आपके आर्डो फॉर्म टेस्ट देंगे। तो एक हमने एग्जांपल लिखा है CH3CHOH, एक्चुअली यह है CH3CH2OH, एथेनॉल है। तो एथेनॉल में भी हमको दिख रहा है CH3CHOH, यानी कि मेथिल एल्कोहलिक ग्रुप दिख जा रहा है, इसलिए ये भी क्या करेगा, आर्डो फॉर्म टेस्ट देगा। यह हमारा एस्टरडिहाइड CH3CHO, इसमें भी मेथिल और कीटोनिक ग्रुप तो यहाँ से दिख ही रहा है, एल्डिहाइड में भी CO ग्रुप है और मेथिल ग्रुप है, तो ये भी क्या करेगा, आर्डो फॉर्म टेस्ट देगा। तो मेथेनॉल और एस्टरडिहाइड भी आर्डो फॉर्म टेस्ट देते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें मेथिल एल्कोहलिक ग्रुप भी होता है, मेथिल कीटोनिक ग्रुप भी होता है, फिर भी वे आर्डो फॉर्म टेस्ट नहीं देते हैं, तो इनके बारे में हम बात आगे के लेक्चर में करेंगे। अब तक के लेक्चर में हमने देखा था कि कौन कौन से कंपाउंड आर्डो फॉर्म टेस्ट देते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जिसके पास मेथिल एल्कोहलिक ग्रुप हो या मेथिल कीटोनिक ग्रुप हो, ऐसे ही कंपाउंड आर्डो फॉर्म या हैलो फॉर्म टेस्ट देते हैं। अब हम ये बात करेंगे कि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनके पास मेथिल कीटोनिक ग्रुप या मेथिल एल्कोहलिक ग्रुप है लेकिन फिर भी वे आर्डो फॉर्म टेस्ट नहीं देते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके जो जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो सभी आर्डो फॉर्म टेस्ट नहीं देते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। ये हमारा है CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टिक एसिड है,
इसमें मेथिल कीटोनिक ग्रुप दिख रहा है, इसलिए इसको आइडोफॉर्म टेस्ट देना चाहिए, लेकिन ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देती है। कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देती है, जबकि उसके पास क्या है, मेथिल कीटोनिक ग्रुप है, देना चाहिए था लेकिन नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि इसमें यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से जो CO बॉन्ड जो होता है वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन कर लेता है, जिसकी वजह से इसकी ब्रेकिंग डिफिकल्ट हो जाती है, इसलिए ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। यह RCOCl, यह एसिड क्लोराइड, ये एसिड क्लोराइड क्या होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, इसके पास भी मेथिल कीटोनिक ग्रुप है, इसको भी आइडोफॉर्म टेस्ट देना चाहिए था लेकिन ये नहीं देती है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस इसमें भी CCl बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, जिसकी वजह से आइडोफॉर्म का फॉर्मेशन इसमें डिफिकल्ट हो जाएगा। CH3CONH2 एमाइड, यह एमाइड, ये भी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, इसमें भी मेथिल कीटोनिक ग्रुप है, इसको भी आइडोफॉर्म टेस्ट देना चाहिए था लेकिन ड्यू टू रेजोनेंस ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देती है। और ये हमारा है CH3COOCH3, ये कोई एस्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या बना दिया हमने, एस्टर बना दिया। एस्टर क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, इसमें भी मेथिल कीटोनिक ग्रुप है लेकिन ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। और ये हमारा है एनहाइड्राइड, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, और ये भी इसमें भी मेथिल कीटोनिक ग्रुप है लेकिन ये भी क्या करता है, आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। तो हम बस ये याद रखेंगे कि ऐसे कंपाउंड जिनके पास मेथिल अल्कोहलिक ग्रुप या मेथिल कीटोनिक ग्रुप होता है वे आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनके पास मेथिल कीटोनिक ग्रुप या मेथिल अल्कोहलिक ग्रुप है फिर भी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते हैं, वे होते हैं एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड, एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड, ये सब कंपाउंड ऐसे हैं जो मेथिल कीटोनिक ग्रुप रखते हुए भी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते हैं। आगे के लेक्चर में हम हैलोफॉर्म रिएक्शन या आइडोफॉर्म टेस्ट के कुछ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। अब हम हैलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा इसकी केमिकल इक्वेशन को भी देख लेते हैं। ये हमारा है CH3COCH3, यानी कि ये तो ऐसा कंपाउंड है जिसमें मेथिल कीटोनिक ग्रुप दिख रहा है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं X2+NaOH के साथ, यानी हैलोजन और बेस के साथ करा रहे हैं। हैलोजन जो X2 है ना, इसकी जगह पे आप Cl2 ले सकते हो, Br2 ले सकते हो, I2 ले सकते हो। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, एक्चुअली जो ये मेथिल ग्रुप है ना वही कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हैलोफॉर्म में, तो बनेगा CHX3, और इतना पार्ट जो है मेथिल कीटोनिक पार्ट वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना लगता है, तो बन जाता है CH3CONH, और इस कार्बन से क्या बन जाएगा, CHX3। अगर X का यूज करोगे तो बनेगा CHX3। अब X बराबर आपका क्या हो सकता है, X की जगह पे आप Cl ले सकते हो, Cl लोगे तो बनेगा CHCl3। X2 की जगह पे अगर Br2 का यूज करोगे तो बनेगा CHBr3। अगर X2 की जगह पे आप I2 का यूज करोगे तो बनेगा CHI3। CHCl3 इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, CHBr3 इसका नाम है ब्रोमोफॉर्म, और CHI3 इसका नाम है आइडोफॉर्म। आपको याद रखना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। जो आइडोफॉर्म है यह येलो कलर का सॉलिड होता है, जबकि जो क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म ये दोनों क्या हैं, लिक्विड होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जब कंपाउंड जिसके पास क्या है, मेथिल कीटोनिक ग्रुप है, उसका रिएक्शन हैलोजन और NaOH के साथ कराया तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन गया और हैलोफॉर्म का फॉर्मेशन हुआ। हैलोफॉर्म में अगर क्लोरोफॉर्म में अगर एक्स या Cl यूज किया तो क्लोरोफॉर्म बन गया, एक्स या Br यूज किया तो ब्रोमोफॉर्म बन गया, एस की जगह आई यूज किया तो आइडोफॉर्म बन गया। तो हमारे जो मेन रिएक्शन थी उसका नाम था हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म मतलब कि उसमें आप क्लोरीन जब हम Cl या Br का यूज करते हैं तो रिएक्शन को बोल देते हैं क्लोरोफॉर्म, लेकिन अगर हम एक्स की जगह आई का यूज करते हैं, आयोडीन का यूज करते हैं ना, तो स्पेशली इस रिएक्शन को हम आइडोफॉर्म टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो जनरल रिएक्शन होगी हैलोफॉर्म रिएक्शन, और एक आइडेंटिफाइड रिएक्शन क्या होगी, उसकी स्पेशल रिएक्शन होगी आइडोफॉर्म रिएक्शन। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, CH3CHO है, एस्टरडीआईडाइज का रिएक्शन आयोडीन और NaOH के साथ कराते हैं। तो हम जानते हैं कि जो मिथिल ग्रुप होता है वही तो आइडोफॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो ये CH3 वाला पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा, CHI3 में आइडोफॉर्म बना लेगा और बचेगा एक कार्बन। तो एक कार्बन का क्या बनेगा, एसिड सॉल्ट बन जाएगा, तो बन जाएगा एक कार्बन का एसिड क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, उसका सॉल्ट क्या हो जाएगा, HCOONa बन जाएगा। सेकंड एग्जांपल है CH3CH2COCH3, कोई कीटोन है, इस साइड से तो मेथिल कीटोनिक ग्रुप नहीं मिल रहा है लेकिन इस साइड से मेथिल कीटोनिक ग्रुप मिल गया, इसलिए आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। और देगा तो हम जानते हैं कि जो मेथिल कीटोनिक ग्रुप का जो मेथिल पार्ट है वही आइडोफॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो ये CH3 किसमें बदलेगा, CHI3 में। तो ये जो पार्ट बच गया हमारा CH3CH2CO, ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड सॉल्ट में, तो बन जाएगा CH3CH2COONa+, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन गया। एक और एग्जांपल देखते हैं CH3COPH।
अब यहाँ पे तो हमारा फिनिल ग्रुप है, तो इधर से तो हमको आर्डोफॉर्म टेस्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ से दिख रहा है सिर्फ सिर्फ मेथिल कीटोनिक ग्रुप मिल जा रहा है। इसका रिएक्शन आर्डिन और एनएच के साथ करेंगे, तो ये मिथाइल ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा? आर्डोफॉर्म में, तो ये सी एच आई सी बना लेगा। तो बच गया ये पार्ट, तो इतने पार्ट को हमें क्या बनाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, तो बन जाएगा पी एच सी डब्लू एन ए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सी एच थ्री सी एच ओ एच सी एच थ्री, हमको पता है दोनों साइड से मेथिल कीटो एल्कोहलिक ग्रुप है, तो कहीं से बना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? सी एच थ्री को सी एच आई थ्री में। तो ये जो पार्ट बच गया मेथिल एल्कोहलिक ग्रुप, यही ऑक्साइज हो जाएगा किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में, तो बन जाएगा सी एस थ्री सी डबल ओ माइनस एन ए प्लस, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन गया। इस तरह से हमने देखा कि कैसे आइडोफॉर्म टेस्ट होता है और आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। ओके।